नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का YBS YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक की CSP एंड BC और KYC एजेंट के ऊपर। तो गाइस, अगर आपको CSP या फिर BC या फिर KYC एजेंट ID लेकर के काम करना होगा तो आप कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, कितने इसके अंदर आपका खर्च होने वाला है, आपको डिटेल से पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो गाइस, हमारे पास दो तरह के आईडी हैं, दोनों में अलग अलग तरीके से काम करना होता है और दोनों में अलग अलग कमीशन भी हैं। तो पहला जो है कोटक का 811 अकाउंट ओपनिंग की सर्विस है, जो आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं जिसमें पर अकाउंट ओपनिंग करने का आपको हम लोग जो कमीशन देते हैं वो 200 रुपये देते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको अकाउंट ओपनिंग करना है, अकाउंट ओपनिंग करके छोड़ देना है, आपको KYC नहीं करना है और आपको यहाँ 200 रुपये कमीशन हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि आपको 200 रुपये हम लोग कमीशन देते हैं एक अकाउंट ओपनिंग करने का। ठीक है, और दूसरा जो आईडी है जिसमें कोटक 811 अकाउंट ओपनिंग करने के बाद आपको फुल KYC करने का भी ऑथराइज दी जाएगी, इसमें आपको जो है अकाउंट ओपनिंग के साथ KYC करती हैं तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग KYC के साथ आपको 100 रुपये कमीशन मिलते हैं। तो भाई आपको ये दिमाग में आता होगा, चलता होगा कि भाई सिर्फ हम अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं तो इसमें हमें 200 रुपये कमीशन मिल रहे हैं और अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ हम KYC भी कर रहे हैं तो इसमें हमें 100 रुपये मात्र कमीशन मिल रहे हैं। तो इससे बेस्ट तो वही है, सिर्फ हम अकाउंट ओपनिंग करेंगे और इसमें हम 200 रुपये कमीशन भी पा जाएंगे। तो यहाँ आपका सोचना सही बात है कि आप सोच सकते हैं कि आपको कैसे किस तरह का आईडी मिल रहे हैं। ठीक है, तो जिनको 200 रुपये कमीशन चाहिए सिर्फ अकाउंट ओपनिंग करना है, कोटक बैंक का जो ब्रांच होंगे उनके 5 से 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रेंज पे उनको काम करना होगा, तभी सिर्फ अकाउंट ओपनिंग करके आपको छोड़ना है और 200 रुपये कमीशन आपको मिलेंगे। तो इस तरह का आईडी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपके अगल बगल जो है कोटक का ब्रांच होना चाहिए, लगभग 5 से 6 किलोमीटर के रेंज पे आपका कोटक बैंक का ब्रांच होना चाहिए, तभी आप इस आईडी से काम कर सकते हैं और पर अकाउंट पे आपको 200 रुपये कमीशन मिलेंगे। चलिए, दूसरा जो आईडी है इसमें आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, साथ साथ KYC कर सकते हैं, फुल KYC करते हैं, पर आपको यहाँ कमीशन 100 रुपया दी जाती है। तो यहाँ जो है इस आईडी का कॉस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है और जो मैं आपको बताया कि सिर्फ अकाउंट ओपनिंग करना है, आपको छोड़ देना है अकाउंट ओपनिंग करके जिसमें आपको कमीशन मिलेंगे 200 रुपये, तब वहाँ जो उस आईडी का कॉस्ट हो जाती है मात्र 199 रुपये। पहले मेरे बात को पूरी तरह से समझ लीजिए भैया, और बाद में ऐसे नहीं कि आप कॉल कर दो, व्हाट्सअप कर दो, भैया आप बोल रहे हैं 199 रुपये में हमें आप बोले हैं वीडियो में आईडी मिल जाएंगे, तो भाई आप पहले समझ लो कि कौन सा आईडी आपको 199 रुपये में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का जो आपको आईडी मिलेगा अकाउंट ओपनिंग का, तो वो कौन सा मिलेगा। ठीक है, सिर्फ अकाउंट ओपनिंग करना है और 5 से 6 किलोमीटर रेंज पे आपका ब्रांच होना चाहिए, तभी आपको 199 रुपये में आईडी मिलेंगे, अन्यथा आपको आईडी नहीं मिलेंगे। दूसरा जो आईडी है उसमें आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, साथ साथ KYC भी कर सकते हैं, तो इस आईडी का कॉस्ट लगभग आपको 1000 रुपये तक आ जाएगा। ठीक है, तो इस आईडी के साथ अगर आप काम करोगे तो आपके नज़दीक में 5 से 6 किलोमीटर पे अगर कोटक का ब्रांच नहीं भी है तो आप काम कर सकते हैं, 50 से 60 किलोमीटर के रेंज पे ब्रांच है तो आप काम कर सकते हैं, जिसमें आपको पर अकाउंट ओपनिंग करने पे 100 रुपये कमीशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ अगर आप 1000 से 1500 अकाउंट ओपनिंग कर लेते हैं तो कंपनी के तरफ से डायरेक्ट कोटक बैंक के तरफ से आपको CSP भी दिया जाएगा और पर मंथ आपको यहाँ मंथली पैकेज भी दी जाएगी एक सैलरी के रूप में, जो कि 15 से 16 हज़ार रुपये तक आपको हर महीने मिलेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको कोटक का 811 अकाउंट ओपनिंग करना होगा, फिर KYC करना होगा, तब आपको यहाँ 100 रुपये कमीशन मिलेंगे और इस आईडी का कॉस्ट लगभग आपको 1000 रुपये तक आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके
अगल बगल कोटक बैंक का ब्रांच है 5 से 6 किलोमीटर पे, तो 199 रुपये में आपको आईडी मिल जाएंगे। सिर्फ आपको अकाउंट ओपनिंग करके छोड़ देना है, जिनको बोलते हैं लिमिट अकाउंट, उसमें आप अकाउंट ओपनिंग करके छोड़ दोगे, उसमें से आपको 200 रुपया कमीशन हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि कोटक का बीसी पॉइंट आपको लेना है या फिर सीएसपी पॉइंट लेना है या फिर केवाईसी एजेंट बनना है, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के आईडी हैं, आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर आपके 5 से 6 किलोमीटर के रेंज पे कोटक ब्रांच है तो आपको 199 रुपये में भी आईडी मिल जाएंगे, उस आईडी से भी काम कर सकते हैं, या फिर 1000 रुपये तक जो आईडी का चार्जेस हैं उस पर भी लेकर के काम कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अगर आपको आईडी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ग्रुप में जुड़ करके आप हमें बात कर सकते हैं, आपको वहाँ भी काफ़ी सारे अपडेट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही जानकारी था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कोटक के अलावा और कोई भी बैंक का आईडी चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।